नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। बढ़ते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की। कोरोना अपडेट, देश भर में 24 घंटे में आए कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए मामले, 680 से ज्यादा लोगों की मौत। एक देने की जावी ही होगी प्रधानमंत्री, AIMIM सांसद ओवैसी का ट्वीट। राहुल बजाज का अंतिम संस्कार, आज शनिवार को हुआ था निधन। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज एटा और फरुखाबाद और औरैया में करेंगे जनसभा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर फिलीपींस जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने पर रहेगा जोर। यूपी सहित इन राज्यों में खुलेंगे कल से स्कूल, प्राथमिक स्कूल, जाने क्या है अन्य राज्यों का हाल। हिजाब विवाद पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, देश के आंतरिक मुद्दों पर बाहरी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले में सीबीआई की कार्यवाही, एबीजी शिपयार्ड पर केस दर्ज, 13 जगहों पर छापेमारी। देश में कम हो रहा कोरोना संक्रमण, दिल्ली में 920 और कर्नाटक में आए 3,200 से ज्यादा नए मामले। झूठे हैं केजरीवाल, सच की जीत हुई, अवैध खनन मामले में क्लीन चिट मिलने पर बोले सीएम चन्नी। नर्मदा घाटी परियोजनाओं की अंडरग्राउंड टनल धंसी, 5 मजदूर बचाए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। देश में लगातार घट रहे कोरोना मामले, बीते 24 घंटे के दौरान सामने आए 44,800 के करीब नए मामले। जूही चावला ने खिलाड़ियों के साथ किया आर्यन, सुहाना और जाह्नवी का स्वागत, बताया KKR के यंग ऑनर। राहुल गांधी को लेकर हिमंत बिस्व समरा के बयान पर नाराज हुए जयंत चौधरी, कहा बीजेपी नेताओं को धोना चाहिए दातून से मुंह। हिजाब विवाद पर अनिल विज का तंज, बोले कांग्रेस ने देश में बोए विभाजनकारी बीज। लखनऊ में पिता के लिए प्रचार करने उतरी बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह की बेटी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा के सभी कार्यों को 10 मई तक पूरा करने का दिया निर्देश। यूक्रेन पर अमेरिका रूस में खींची तलवारें, बाइडेन ने पुतिन से की 1 घंटे फोन पर बात, समझाया और चेताया। हिजाब को लेकर जयपुर और लुधियाना में सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन, कहा हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के स्कूल में छात्रों के नमाज पढ़ते हुए वीडियो हुए वायरल, हरकत में आया प्रशासन। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।